हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आवर मैजिकल किचन। फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, मैंने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी। चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ एप्पल बकेट। तो सबसे पहले यहाँ हमने लिया है कुछ एप्पल्स, और यहाँ मैंने लिया है एल्यूमिनियम फॉइल यानी कि फॉइल पेपर, और ये लिया है ऑस्मोसिस, मैंने यूज़ लिया है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। और ये हमेशा फ्लावर बुके बनाने में यूज़ करते हैं, और इसे पूरी तरह से रैप कर देंगे हम फॉइल पेपर से। फेस्टिवल्स में और शगुन में फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया जाए। अगर आप इस तरीके से फ्रूट्स को प्रेजेंट करेंगे तो ये बहुत ही डेकोरेटिव और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। अब इस तरीके की मैंने एक छोटी सी बास्केट ले ली है, टोकरी या बास्केट कुछ भी आप ले सकते हैं, आप कोई गत्ते का बॉक्स भी ले सकते हैं, और उसमें इस तरीके से फिट कर दिया। और जो हमने एप्पल्स लिया था उसे हम यहाँ लेंगे फ्रेश रैप और उससे रैप करेंगे। ये फ्रेश रैप अक्सर हम किचन्स में यूज़ करते हैं रोटियों को या फिर सब्जियों को रैप करने के लिए, बहुत ही यूज़फुल होता है, हमारे किचन्स में हमेशा अवेलेबल होता है। आज जो भी मैं आपको दिखाऊंगी उसके लिए आपके पास जो किचन्स में और घर में कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रहती हैं उससे ही आप एक बहुत अच्छा सा एप्पल बुके तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से स्ट्रेच करके हमें पूरी तरीके से फ्रेश रैप से एप्पल्स को कवर कर देना है, जिससे एप्पल काफ़ी हाइजीनिक रहेंगे। अगर आप भी ये फॉलो करेंगे टिप्स तो एप्पल बुके आप एक वीक तक ऐसे ही फ्रेश रख सकते हैं, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं होगी कि एप्पल्स ख़राब हो जाएंगे। मैंने ट्रस्ट मी गाइस, मैंने ट्राई किया है और काफ़ी बार मैंने ये बुके बनाया है। इसे आप एक वीक तक एकदम आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल भी एप्पल्स ख़राब नहीं होते। और यहाँ मैंने लिया है कुछ स्क्यूअर्स या स्टिक्स, कुछ भी ले लें, और सेंटर में बिल्कुल इसे इस तरीके से लगा दें। इसी तरीके से मैंने सारे एप्पल्स को स्क्यूअर की मदद से अटैच कर लिया है, ये देखिए। और जो हमने बास्केट तैयार किया था अब उसमें इसे अटैच करेंगे और बके का लुक देंगे, ये देखिए इस तरीके से। राखी आने वाली है और आप एक दूसरे को इस तरीके से एप्पल बुके तैयार करके दे सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक लगेगा। चॉकलेट बुके, फ्लावर बुके और स्वीट्स बुके तो हम बहुत देखे हैं और हमने बनाया भी है, बट अगर आप इस तरीके से फ्रूट्स के साथ बकेट बनाते हैं तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। ये देखिए यहाँ मैंने लिया है कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स और लीव्स, और उसे जहाँ पे भी एम्प्टी स्पेस है यानी कि खाली स्पेस है इस तरीके से फ्लावर्स अटैच कर देंगे हम। ये ऑस्मोसिस आपको किसी भी फूल की दुकान में या स्टेशनरी की दुकान में आसानी से मिल जाता है, और आप चाहें तो थर्मोकोल भी लगाकर उसके ऊपर भी अटैच कर सकते हैं ये सेम चीज़। बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल सा बुके तैयार होगा। और ये देखिए यहाँ मेरे पास है कुछ लीव्स, उन्हें भी हम लगा लेंगे। आपके पास जैसा भी फ्लावर्स हो, लीव्स हो, आप उसके साथ इसे अटैच कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे रियल फ्लावर्स से भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास ये कुछ रियल फ्लावर्स हैं, छोटे वाले फ्लावर्स, ये हमेशा हमें मिल जाते हैं रोड साइड में, और इसे भी जहाँ एम्प्टी स्पेस है वहाँ हम लगा देंगे। एक बार आप ये बुके ज़रूर बनाकर प्रेजेंट करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसी लगी आपको हमारी ये बुके की कॉन्सेप्ट, एप्पल बुके का कॉन्सेप्ट। और ये देखिए फ्लोर में जो बॉटम है वहाँ भी हम इस तरीके से फ्लावर्स को अटैच कर देंगे। इसमें अटैच करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। और ये हमारा बुके बिल्कुल रेडी हो गया है इस तरीके से। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो गाइस जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें,
और बेल आइकन हिट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। बाय बाय।